अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि हमने फिल्म इंडस्ट्री पे हम पैकेज बना रहे हैं, तो इस वक्त हमारे साथ मोस्ट सीनियर डायरेक्टर जिन्होंने पाकिस्तानी बहुत सारी फिल्में बनाई हैं, मसूद भट्ट साहब। तो आइए इनसे पूछते हैं कि इनकी फ़िल्म लगनी है बशीरा गुजर, ये ईद पर लगा रहे हैं या नहीं? जी हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, बना रहे हैं, दिन रात शूटिंग कर रहे हैं, इतनी गर्मी में आउटडोर में सब आर्टिस्ट कर रहे हैं। मोहम्मद खान का कोऑपरेट कर रहा है बड़ा, हैदर सुल्तान कर रहा है, शको चीमा साहब कर रहे हैं, और मेरी लड़की हैं नई हीरोइन दिया जाट और मेहरू, वो भी कोऑपरेट कर रही हैं, रहीला आगा बड़ा अच्छा कर रही है। तो हम तो देखे पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमें लोग डरा रहे हैं कि जी ईद से 3-4 दिन पहले ये फिट हो जाएगा, लॉकडाउन हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे? तो अगर ऐसा हो गया या ईद के बाद हो गया तो ये तो सरासर नुकसान है ना। लेकिन हम उसको कंप्लीट कर रहे हैं, फिर उनको इंशाल्लाह ताला मेरी मंडे ट्यूसडे को इंशाल्लाह ताला कंप्लीट हो जाएगी। तो मेरी तो तैयारी पूरी है, तो आगे बस ये खुदा जाने क्या होता है। ये कोरोना का नई जो लहर आई हुई है, हर बंदा आदमी परेशान है उससे। जी बिल्कुल, कोरोना की चौथी लहर आई हुई है, तो इसका भी कोई पता नहीं है कि कब लॉकडाउन लग जाए, इसीलिए तो हम परेशान भी हैं। लेकिन क्या करें, काम तो कर रहे हैं ना, कि चलो शायद अगर मौका मिल जाए तो ईद पे फिल्म लगा लें, क्योंकि ईद पे एक अच्छा बिजनेस होता है फिल्म का, लोग आते हैं देखने के लिए। तो हम भी उसी उम्मीद पर काम कर रहे हैं कि अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन ख़तरा है। अगर ईद से पहले ना लगा तो ईद के फौरन बाद डेफिनेट ये लग सकता है, जैसे ये दिन ब दिन डे बाई डे उसकी अपना कोविड की तादाद बढ़ रही है, लोग केयर नहीं कर रहे, और वाकई बड़ी इसलिए रही है कि लोगों को इसका समझ नहीं आ रही, लोग इसको इजी टेक कर रहे हैं कि पता नहीं ख़त्म हो गया, अभी ख़त्म नहीं हुआ। अरे ये आएंगे हमारे मुल्क में, ये तो यूरोप वगैरह है जिन्होंने सारा कुछ कर लिया अपना, और अब वो ठीक सेट होकर बैठ गए हैं, लेकिन हमें एहतियात करनी चाहिए, लेकिन हमारे लिए बहुत परेशानी है। अच्छा भट्ट साहब, आप ये बताइएगा कि अगर खुदा ना ख्वास्ता अगर लॉकडाउन लग जाता है दोबारा से ईद पे, तो फिर इस सूरत में भी आप लगाएंगे? अगर लॉकडाउन लग जाता है फिर कैसे लगाएंगे, ये तो सिनेमे बंद हो जाएंगे और पब्लिक नहीं आएगी, तो हमने तो पब्लिक के लिए फिल्म बनाई है। हमने हुकूमत ने अभी भी अनाउंसमेंट किया हुआ है कि जो जिसने वैक्सीन लगवाई होगी वो उसकी एंट्री सिनेमा हॉल में होगी, अदरवाइज नहीं होगी। बिल्कुल ऐसा देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं टीवी पे, और ये होना भी चाहिए। लेकिन मेरा कुछ ये ख्याल है या जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो है कि लोग 75% लगवा रहे हैं ये वैक्सीन, क्योंकि हर आदमी को अपनी जान अजीज है। तो लेकिन फिर भी ये कोई काम तो नहीं है, कोई तरीका तो नहीं है, कोई ये SOP के तहत हम ये करें, एक आदमी उधर बैठे एक वहाँ बैठे, ऐसा तो नहीं होता। फिल्म तो एक गैदरिंग का सिंबल है कि रश होता है, गैदरिंग होती है, लोग होते हैं एक दूसरे के ऊपर गिर रहे होते हैं, तो यहाँ पे तो सूरत लेने के लिए लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे होते हैं कि हमें किसी तरीके मिल जाए। बिल्कुल, लेकिन अब क्या करेंगे, हम तो हेल्पलेस हैं, लेकिन अगर फिल्म कंप्लीट करके रख लेंगे, देख लेंगे जैसा माहौल बनेगा उस हिसाब से डील कर। क्योंकि बाकी जितने भी प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने फिल्में बनाई उनसे हमारा इंटरव्यू हुआ है, उन्होंने कहा हम नहीं लगा रहे क्योंकि इतना बजट हम लगा रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, अगर लोग ही नहीं आएंगे तो क्या फ़ायदा, हमें इतना पैसा हमने इन्वेस्ट किया हुआ है और बर्बाद जाएगा हमारा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उनको ऐसा ही कहना चाहिए, लेकिन एक आदमी की कोशिश होती है, एक उम्मीद होती है, जैसे लोग एक मिसाल देते हैं उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो मैं भी ये सोच रहा हूँ, मेरा प्रोड्यूसर भी ये सोच रहा है कि शायद अल्लाह करे हालात ऐसे ही रहें जैसे अब चल रहे हैं, तो फिल्म लग जाए तो उससे कोई कारोबार की कोई शक्ल निकल आए तो बेहतर होगा, बाकी जो अल्लाह को मंजूर आने वाला वक्त तो गैब कलम तो अल्लाह मियाँ को। बट सब एक और सवाल करना चाहूँगी, आप जो स्टूडियो लाइन आपका काफ़ी अर्से से आपने बहुत सारी फिल्में बनाई हैं और अच्छी फिल्में, नामवर फिल्में आपकी हिट तरीन फिल्में गई हैं, अब जो कि अभी ये कोविड भी है और दूसरा ये है कोविड से पहले भी फिल्में बहुत कम लग रही थी, तो इसकी वजह क्या है, क्या हुकूमत साथ दे रही है या नहीं? किसी हुकूमत ने कभी फिल्म इंडस्ट्री का साथ नहीं दिया, हालांकि हमें इमरान खान साहब से बड़ी उम्मीद थी कि खान साहब आएंगे और फिल्म इंडस्ट्री के मतलब कुछ ना कुछ बनाएंगे, मसला हल करेंगे, लेकिन कुछ भी उन्होंने भी कुछ नहीं किया। जैसे वो पहले डाकू थे नून लीग वाले और पीपल पार्टी वाले, खान साहब ने भी हमारे लिए कुछ नहीं किया। बहरहाल एक ये जो मसला आप कह रही हैं ना कि फिल्में की तादाद कम, ये वो फिल्मों की तादाद इसलिए कम है कि सर्किट में सिनेमे कम हो गए, लोगों ने तोड़कर वहाँ पर प्लाजे बना लिए, दुकानें बना दी, फ्लैट बना दिए,
तो जब सर्कट से पैसा नहीं आएगा तो फिल्म का कैसे आगे सर्वाइवल होगा। तो इस वजह से भी कुछ नुकसान हुआ कि सिनेमे जो थे बड़े इम्पोर्टेंट और बड़े नामवर सिनेमे थे सर्कट में, वो टूट गए। अच्छा, ये तोड़ने की वजह क्या बनी, क्यों तोड़े गए? तोड़ने की वजह ये है कि जब उन्होंने सिनेमे बनाए थे ना, उस वक्त दो दो चार चार पाँच पाँच लाख में वो जगह ली उन्होंने एकड़, तो जब अब वो ज़मीनें शहर में आ गई, वो जो उन्होंने 5 लाख एकड़ लिया था वो हो गया 25 करोड़ का। उन्होंने कहा कि ये बेहतर है सिनेमा गिरा दो, यहाँ पे दुकानें प्लाजा बना दो, ये काम गड़बड़ हुई है। हालांकि गवर्नमेंट को चाहिए कि जो प्लाट सिनेमे के लिए मखसूस है वो उसे वहाँ पर सिनेमा ही बने, वहाँ पर बने कोई दुकानें ना बने, लेकिन यहाँ पर कोई है नहीं कुछ भी। अच्छा, यहाँ पर सकाफ़ती मिनिस्टर है, जो उन्होंने कभी विज़िट किया स्टूडियो का, या जैसे आप सीनियर हैं सब इन आप लोगों के पास? हमें तो पता ही कोई नहीं आज तक कि सकाफ़ती मिनिस्टर कौन है हमारी अपना मुल्क का, ना किसी को यहाँ पे आने की तौफीक हुई है, ना कोई आता है, ना किसी को कोई इंटरेस्ट है फिल्म इंडस्ट्री से। हालांकि इनको होना चाहिए कि ये कल्चर ही है जो एक दूसरे मुल्क में हमारी फिल्मों को लेकर जाएगा, इनको फॉरेन एक्सचेंज मिलेगी, वो तो ये होगा वो होगा, लेकिन कुछ नहीं, किसी को पता ही कुछ नहीं है कि आया कोई फिल्म इंडस्ट्री भी कोई इंडस्ट्री है, नथिंग। अभी उन्होंने एक अनाउंसमेंट की थी 25 करोड़ की, बल्कि 1 अरब की थी कि वो सकाफत पे वो लगा रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री के लिए लगा रहे हैं, वो पैसा मैं, फिर मैं उस बात का आपको जवाब देता हूँ। ये पिछले साल भी जब ये बजट अनाउंस हुआ था तो इमरान खान साहब ने 25 करोड़ का 1 अरब कर दिया था कि नहीं फिल्म इंडस्ट्री के, उसका भी कुछ नहीं बना। अब भी उन्होंने 25 करोड़ का 1 अरब किया है, ये भी कुछ नहीं बनेगा, कुछ पता ही नहीं, कुछ बन ही नहीं रहा। वो कह रहे हैं हमने पैसा ये दे दिया है, तो आपको खबर ही नहीं है कि किसको दिया? किसी को नहीं दिया, ये कागज़ों में ही है अभी, ना उसका कोई नोटिफिकेशन हुआ है, ना कोई समरी बनी है, ना कोई कुछ नहीं हुआ, ये बातों बातों में ही सब कुछ हुआ। अच्छा सर, आप इमरान खान साहब से कोई सवाल करना चाहें या उनसे कोई रिक्वेस्ट करना चाहें तो बता दीजिए। देखिए, मेरी तो रिक्वेस्ट है कि वो एक हमारे मुल्क के वो लीडर हैं जिसको हर आदमी ने पसंद किया है, वो दयानतदार आदमी हैं, अच्छे आदमी हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, उनको स्पीच करने का पता है, उनको कैसे फॉरेन कंट्री से डील करना है उनको पता है, एक दयानतदार तरीन आदमी हैं वो इमरान खान साहब, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। मैं उनका सपोर्टर भी हूँ और उनका चाहने वाला भी हूँ, लेकिन उनको चाहिए कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में भी 8-10 हज़ार लोग इस काम से वाबस्ता हैं, उनके लिए कुछ कर दें, जो जैसे दूसरों के लिए कर रहे हैं, कोई हेल्थ कार्ड बन रहे हैं, कोई किसान कार्ड बन रहे हैं, कोई यूथ के लिए बग़ैर इंटरेस्ट के कर्ज़े दे रहे हैं, कुछ फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी ऐसे ही कोई अपनी वो लाएँ, ये तरमीम करके लाएं, उसको ये बात करके लाएं, ताकि फिल्म इंडस्ट्री वाले लोग भी ज़िंदा रहें और आपको दुआएं दें। और आपके ये सपोर्टर हैं, मैं आपको बता दूं इमरान खान साहब, फिल्म इंडस्ट्री है जो आपकी है, 99% लोग आपसे मोहब्बत करते हैं और आपके हैं, आपको वोट देते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, तो प्लीज़ फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी आप कुछ कर दें। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं एक रेस्टोरेंट में, ठीक है, और इस वक्त हमारे साथ जो हैं हमारे बहुत ही मोस्ट सीनियर राइटर डायरेक्टर परवेज़ कलीम साहब, तो आइए इनसे इनकी फ़िल्म के बारे में पूछते हैं, क्या ये फ़िल्म ईद पे लगा रहे हैं या नहीं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं सर आप? शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र। सर, आप ईद पे फिल्म लगा रहे हैं? नहीं, देखिए ना जाने ये सवाल लोग कर देते हैं। देखिए, ईदें हमारी लिए बड़ी ख़ास होती हैं, हम उस पर अक्सर फिल्में लगाया करते थे, हमारी इतनी फिल्में लगी हैं ईदों पे, लेकिन ये कोरोना वायरस की वजह से माहौल जो है वो सिनेमा गोयर जो है वो अभी डरा हुआ है। फिर ये लोग कहते हैं SOP के तहत फिल्म सिनेमा में जाएँ, वैक्सीनेट हों, ये वो ठीक है, लेकिन किस्सा ये है कि लोग अभी 22-26 करोड़ की आबादी है और उसमें से अभी 70 लाख बंदे ने या 80 लाख बंदे ने जो है वो वैक्सीन लगवाई है, तो सिनेमा में गोयल जो हैं उन्हीं में से होंगे ना, तो कितने जाएंगे? तो जिनकी करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट है, अब आज जिस हवाले से यहाँ तकरीब थी, वो एक हमारे दोस्त हैं राना नवीद साहब, वो एक 11 दी महफिल के नाम से हर महीने एक फंक्शन करते हैं और उसमें कोई ना कोई बात रख लेते हैं। इस दफ़ा उन्होंने कहा जी परवेज़ कलीम साहब की फिल्म जो है वो कंप्लीट हो गई, बैकग्राउंड हो गया उस फिल्म का, अभी सब लोग आए थे,
तो अब उसकी जो है वो मिक्सिंग होना बाकी है जो अब्रॉड में होगी कहीं। अब किस्सा ये है कि उस फिल्म जो जो हालात वाकयात हैं उसमें फिल्म 3-4-5 महीने तो बड़ी 3 महीने तो बड़े आराम से गुजर जाएंगे। लोग अभी सिनेमा की तरफ आएंगे क्योंकि आप यकीन कीजिए कि 1.5 साल के अंदर लोगों ने आर्टिनेट ढूंढ लिए हैं। लोग मोबाइल पे फिल्म देख रहे हैं, लोग छोटी स्क्रीन पे फिल्म देख रहे हैं, एलीट क्लास ने घर में थिएटर लगाए हुए हैं, सब ने तलाश कर लिया है एंटरटेन होने का तरीका। अब उस तरीके को आहिस्ता आहिस्ता ही वो लोग छोड़ेंगे और फिर दोबारा से सिनेमा हाउस और वो भी फिल्म जो है वो जो लगे वो इतनी अच्छी हो, वो किसी की भी हो, मेरी हो या किसी और की हो, अच्छी होगी तो लोग उसे देखेंगे। और वो देखेंगे भी इस शर्त पे कि ये जो SOPs हैं इसका अगर हालात ऐसे ही रहे कि SOPs पे जाना है और उस तरह 2 सीटें छोड़ के बैठना है और मास्क पहन के बैठना है। मेरी फिल्म है रंग इश्के दा जो बिल्कुल तैयार है, इसमें कराची की फिल्में हैं 10-14-15, मेरा मुल्क है कराची को बाहर का थोड़े, हमारे बच्चे हैं जो फिल्में बनाते हैं, मैं तो उन्हें बड़ा रिस्पेक्ट देता हूँ, लेकिन ना जाने वो क्यों नहीं लोगों को बुज़ुर्गों को अपने ओन करते। मेरी उनको दरख्वास्त है आपके प्रोग्राम के तवज्जो से कि वो बड़ों को अपने बुज़ुर्गों को ओन किया करें, ओन करने से कुछ नहीं होगा, उनके मैदान में बरकत होगी। सर ऐसे यहाँ अब इतनी फिल्में तैयार पड़ी हैं, कराची में पड़ी हैं, यहाँ पड़ी हैं, लेकिन कैसे कोई बारिश का पहला कतरा बन जाए। यानी अभी हालात ऐसे नामसाइद हैं कि सिनेमा के, और फिर देखिए कि जहाँ हमारे खैर से जो है वो हमारे यहाँ अगर अरबाब इख्तियार भी बात कर रहे हैं तो वो फीचर फिल्म के फ़ायदे की बात नहीं कर रहे बल्कि वो शॉर्ट फिल्मों के हवाले से बात कर रहे हैं। देखिए शॉर्ट फिल्में फिल्म इंडस्ट्री नहीं है। हाँ जब हम फीचर फिल्म अच्छी बना लें, जब हमारी फीचर फिल्म सुधर जाए, जब उसमें सुधार आ जाए, हम भी अच्छा करें, हमें हुकूमत की तरफ से भी सपोर्ट हो जितना हमें ज़रूरत है उसके तहत, तो कम अज़ कम ऐसा कोई मसला नहीं है। मेरी एक ज़रूरा एक 10 बदस दरख्वास्त है, बड़े प्लान बनते हैं, बड़ी चीज़ें बनती हैं, वो कभी कभी बस वो कहीं फाइलों में इधर उधर ही रह जाती हैं। मेरी उनसे दरख्वास्त है कि मेरे कुछ सीनियर भी इस मामले में साथ हैं हमारे, कि वो 20 करोड़ रुपया जो है वो अपने बंदों को तैनात करके 2 करोड़ रुपए की एक एक फिल्म जो है वो बनाई जाए, जिस फिल्म में से 10 फिल्में बनेंगी एक साल में, 10 फिल्में में से अगर 2 फिल्में चल गईं तो आप यकीन कीजिए वो 20 करोड़ रुपया भी हुकूमत को वापस आ जाएगा और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री असर नौ अपने पैरों पे सफ़र करना शुरू कर। सर यहाँ पर मैं ये सवाल करना चाहूँगी कि ये जो अभी आपने बात की है 20 करोड़ की, हुकूमत से जब ये सवाल किया जाता तो वो कहते हैं जी हमने बजट दिया है, हमने तो 25 करोड़ का भी बजट दिया है, हमने 25 करोड़ को पीछे करके हमने 1 करोड़ रुपये का भी बजट दिया है। सर वो बजट कहाँ गया? देखिए जी वो लोग हैं, पहले तो अरबाब इख्तियार को मेरी 10 बदस दरख्वास्त है कि उनको सबसे पहले तो ये देखना होगा कि फिल्म इंडस्ट्री कौन है, वो कौन लोग हैं 50-50 बरस की जिनकी खिदमात हैं, जिन्होंने अपनी नसीब सदी दे दी है इस काम को, और 200 यानी मैं बैठा हूँ 200 फिल्में मेरे क्रेडिट पे हैं, बेपनाह टीवी सीरियल जो है मेरे क्रेडिट पे हैं, बेशुमार काम किया है, मेरे से ज़्यादा काम करने वाले यहाँ फिल्म इंडस्ट्री में मौजूद हैं, मुझसे ज़्यादा सीनियर भी 1-2 बंदे मौजूद हैं जिन्होंने बहुत काम किया है और काम कर रहे हैं, लेकिन खुदा के लिए उनको जब तक फिल्म इंडस्ट्री की जब तक शनाख्त नहीं होगी कि वो कौन लोग हैं, क्योंकि ये तो मशीराने वतन को चाहिए कि वो अरबाब इख्तियार के जो साहिब इख्तियार है उसके कानों में वो बात पहुंचाएं जो सच है और जो फिल्म इंडस्ट्री है उसके बारे में बात करें। अब उसके बारे में बात करने की बजाय फीचर फिल्म पे बात नहीं होती, शॉर्ट फिल्म पे बात होती है। मैं ये नहीं कहता, शॉर्ट फिल्म का मुखालिफ नहीं करता मैं, ज़रूरत है, लेकिन जब फीचर फिल्म बन रही हो तो हम शॉर्ट फिल्म भी बनाएंगे, हमारे बच्चे भी बनाएंगे, हमारे नौजवान नस्ल भी बनाएगी। अब हमें बिल्कुल उनका ख्याल है, शॉर्ट फिल्म के मैं मुखालिफ नहीं हूँ, तरक्की की राह में कभी मैंने रोड़े नहीं अटकाए क्योंकि इर्तका हमारा हक है, लेकिन उस हक को इस तरह उस हक के इस्तेमाल में फीचर फिल्म को बलाए ताक ना रखा जाए।
सर, शॉर्ट फिल्में जो हैं उनमें कोई मज़ा नहीं है, उनमें कोई ऐसा सबक नहीं है, सबक नहीं है जिसके अंदर कोई लेसन नहीं दिया हुआ जिसमें इंसान कुछ सीख सके। लेकिन जो फिल्में आप लोगों ने बनाई उनमें हर फिल्म में कोई ना कोई सबक ज़रूर लोगों को हासिल हुआ है और सीखा है लोगों ने, समझा उस फिल्मों को। लेकिन आज की फिल्मों में ऐसा कुछ नज़र ही नहीं आता। दुआ है परवरदिगार करेगा, करते करते प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट, वो उन्हें क्योंकि वहाँ अगर किसी चीज़ का फुकदान है उन फिल्मों में, जिन फिल्मों की आप बात कर रही हैं कि जब फिल्में भी बनती हैं तो उसमें मज़ा नहीं आपको आता। टीवी के नौजवान जो हैं वो माशाल्लाह डायरेक्टर हैं, वो काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। यानी जैसे नदीम बेग बहुत अच्छा काम कर रहा है, नबील कुरैशी बहुत अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, शोएब मंसूर साहब ने बड़ा अच्छा काम किया, इस तरह एक और हैं शहजाद, उन्होंने बड़ा अच्छी एक फिल्म माह मीर मैंने एक फिल्म देखी, मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने बड़ी दुआएं दी उस नौजवान को कि यार देखें कितनी खूबसूरत फिल्म बनाई है, मैं पंजाब नहीं जाऊंगी, नदीम बेग क्या खूबसूरत फिल्म बनाई उसने। तो जो ज़्यादातर फिल्में हैं वहाँ वो लोग चूँकि स्क्रीन पे राइटिंग को जो है वो नहीं पता कि सीन के बाद सीन किस तरह और उसकी तरतीब क्या है और वो किस तरह स्क्रीन पर पेश किया जाए, कौन सा ड्रामा, कौन सी बात डोमेस्टिक है, कोई एक्शन है, कोई कॉमेडी है, कोई लाउड है, कोई इन बिटवीन ऐसा ड्रामा है, तो उसके लिए एक स्क्रीन प्ले की ज़रूरत होती है। मकालमा और स्क्रीन प्ले ये फिल्म को नया कर देते हैं। ये मेरी बकायदा हम्बल दरख्वास्त है सबसे कि मकालमा और स्क्रीन प्ले कहानी को नया ही एक शक्ल देते हैं हर बार, और इस यही खूबी होती है। सर, मज़ा ही नहीं आता, ना पता चलता है फिल्म शुरू कहाँ से हुई और ख़त्म कहाँ से हुई, और ना ही वो फिल्मों में रश था जो एक टिकटों की लाइन लगी होती, लोग लाइनें तोड़ तोड़ के टिकटें खरीदते थे। नहीं देखिए बीबी, अब लाइनें तो कभी नहीं लगेंगी, ये तो मैं आपको बता दूँ, क्योंकि तरीकाकार एक एक बिल्डिंग के अंदर चार चार थिएटर हैं, चार चार स्क्रीनें हैं, ठीक है, एक एक सिनेमा, एक एक स्क्रीन पे कोई फिल्म चल रही है, दूसरी स्क्रीन पे एक ही बिल्डिंग में दूसरी स्क्रीन पे कोई फिल्म चल रही है, तीसरी पे कोई फिल्म चल रही है, फिर हमारे शो जो हैं तीन शो अगर एक सिनेमा में हमारे हैं तो उसमें दो शो किसी नई फिल्म को मिल गए हैं, एक एक जो है वो कोई और चल रही है फिल्म। तो ये एक जो सिस्टम है ये सिस्टम पूरी दुनिया में है, ये बात नहीं है कि यहाँ है, किस्सा ये है कि इसका तरीकाकार नहीं हो रहा। मैं अर्ज़ कर देता हूँ, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को अगर कोई चाहता है कि ये सरवाइव कर जाए तो मैं अर्ज़ कर दूं कि एलीट क्लास पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को नहीं चला सकती ये सिनेमा, ये थिएटर, ये इतनी इतनी बड़ी बिल्डिंगों में इंतहाई करोड़ों रुपए लगे हुए हैं लोगों के, लेकिन जब तक इन सिनेमाओं में ए बी सी तीन क्लासेस नहीं बनेंगी, यानी एलीट क्लास भी फिल्म देखे, 1000 रुपये वाले टिकट, 700 रुपये वाले टिकट पे, 300 रुपये के नाचो, 400 के और 300 को पॉपकॉर्न और 250 को कॉफ़ी का कप, ये एक एक वो बंदा जो लीड क्लास में अफोर्ड करता है, फिर लेमैन जब तक नहीं ये मतवज्जो करेंगे, जब तक लेमैन को मतवज्जो नहीं करेंगे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री तरक्की नहीं कर पाएगी। गरीब का बच्चा तो सिनेमा को बाहर से देख के गुजर जाता है, हाउ इट इज़ पॉसिबल। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मोस्ट सीनियर इल्ताफ़ हुसैन, फिल्म डायरेक्टर जिन्होंने बहुत सारी हिट तरीन फिल्में बनाई। आज हम इनसे फिल्म इंडस्ट्री के बारे में ही बात करेंगे कि ईद पर जो फिल्में लगती थी अब क्यों नहीं लग रही, इसकी वजह क्या बनी, अब आगे कोविड भी है तो इसके बारे में इनसे जानते हैं। जी अस्सलाम, कैसे हैं आप? बस अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। जी मैं अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। जी सर, आपने इस दफ़ा फिल्म लगा रहे हैं बड़ी ईद पे? नहीं सब, चूँकि अपना हालात जो है आपको समझ के कवर्ड है, और दूसरा जो इंडस्ट्री के हालात भी ऐसे नहीं हैं, तो इस दफ़ा मेरा ख्याल अपना ईद ये फिल्में तो एक दो कंप्लीट हुई हैं हमारी इंडस्ट्री में, मगर वो लगा नहीं रहे क्योंकि वक्त नहीं, हालात नहीं है, और फिर ये जो ईद कुर्बानी की ईद होती है तो ये इंटरटेनमेंट के लिए नहीं होती, लोग कम निकलते हैं इंटरटेनमेंट के लिए, तो ये जो हमारी अपना ईद उल फितर होती है ना रमज़ान मुबारक के बाद, जी जी वो ईद होती है जो कि अपना इंटरटेनमेंट की होती है जिसमें हम फिल्में रिलीज़ करते हैं और लगती हैं, तो इस दफ़ा मेरा ख्याल है कि शायद
कम ही फिल्म लगे। सर, हमने जितने भी राइटर डायरेक्टर से इंटरव्यू किए हैं, सबका कहना है कि कोविड की वजह से हम फिल्में नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर हम फिल्म लगा दें, देखने वाले नहीं होंगे तो फ़ायदा नहीं है फिल्म लगाने। नहीं, वो ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कोविड की वजह से हमने फिल्में नहीं लगा रहे, तो मगर अब चूँकि अपना हुकूमत ने अपना इजाज़त दे दी है और फिल्में लगनी शुरू हो गई, सिनेमे खुल गए हैं, अपने चूँकि शादी हॉल भी खुल गए हैं, तो लिहाजा अब कोशिश कर रहे हैं, मगर चूँकि बिजनेस नहीं है सर, अभी लोग अपना प्रिपेयर नहीं हुए सिनेमा हाउस में आने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि शायद आई थिंक मुहर्रम के बाद इंशाल्लाह ताला हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे और उसके बाद जो फिल्में रिलीज़ होगी, क्योंकि उसके बाद फिर कोई अपने ऐसी अपने बात नहीं होगी कि कोई प्रॉब्लम हो, तो लोग भी ज़रा ज़हनी तौर पर फ्रेश हो जाएंगे, तो ये कोविड का मामले ये भी ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। सर, सीनियर डायरेक्टर होने के नाते जो आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि फ़िल्म इंडस्ट्री बहाल कैसे होगी दोबारा, जैसे पहले एक अरूज था, अभी हम वहाँ स्टूडियो से होकर आए हैं तो वहाँ पर हमने देखा सुन सुनाटे और बंद, बिल्कुल जैसे कोई बियाबान छाया हुआ है। ये देखिए बात पता क्या है कि इस वक्त जो अपना इंडस्ट्री जो है ना, वो इस वक्त जवाल पज़ीर है बहुत ज़्यादा और कोई काम नहीं हो रहा, और मैं समझता हूँ कि एक तो कोविड की वजह से, दूसरा ये है कि हालात भी ऐसे हुए हैं कि लोग जो है ना, वो महंगाई इतनी हो गई है, लोग इतने परेशान हो गए हैं। वो इंटरटेनमेंट उस वक्त चलती है जब लोग खुशहाल हों, जब लोगों को अपना अपने ज़हनी तौर पर फ्रेश हों और माली पोजीशन भी ठीक हो। इस वक्त लोगों को कमाना खाने की जो वो लाले पड़े हुए हैं, कमाने के लाले, बंदा 500 कमाता है तो उसमें से वो 100-150 की टिकट नहीं खरीदता, इंटरटेनमेंट नहीं कर सकता वो। तो लिहाजा इस वक्त हमें जो ज़रूरत है ना, वो सपोर्ट, किसी सपोर्ट की ज़रूरत है, और सपोर्ट हमें चाहिए हुकूमत की। सबसे पहले जो हमें अपना अफसोस है, अपनी जो भी हुकूमत हमारी आई है, उन्होंने इस इंडस्ट्री को, फिल्म इंडस्ट्री को इंडस्ट्री ओन नहीं किया। मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूँगा अपने अपना हुकूमत से, अपना इमरान खान साहब से, अपने प्राइम मिनिस्टर से कि प्लीज़ इसे इंडस्ट्री ओन करें, इसे इंडस्ट्री का दर्जा तो दें। जब आप इसे दर्जा देंगे तो हमें पता होगा कि भाई हम एक इंडस्ट्री है, फिर हमें वो मराहत भी मिलेगी जो इंडस्ट्री को मिलती है। तो लिहाजा इस वक्त सपोर्ट है हुकूमत की, एक अच्छी हुकूमत जो है जो आए वो इसे इंडस्ट्री को सपोर्ट करे, और ये चूँकि इस इंडस्ट्री से हम बहुत कुछ फ़ायदा उठा सकते हैं, हम इसमें पब्लिक को एजुकेट भी कर सकते हैं, हम अपने हुकूमत के मिसाइल भी इसमें ला सकते हैं, हम लाखों करोड़ों का बजट दिया हुआ है। हाँ, तो लिहाजा इस हमें रिक्वेस्ट है कि आप एक काम करें, हम हुकूमत से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ज़रा सपोर्ट करें, इस इंडस्ट्री के सर पे हाथ रखें, ओन करें इसे, और एक बजट दें, एक जैसे एक नेफ्टा का अदारा बना था, इस तरह एक अदारा बनाएं। अच्छा सर, बजट, सॉरी माफ़ कीजिएगा, बजट एक आया था 25 करोड़ का था, बाद में वज़ीर आज़म ने कहा था कि 1 अरब रुपये का बजट आया था कुछ महीने पहले, क्या आप लोगों को उसमें कुछ नहीं आया? मैं समझता हूँ कि यही गलत है इन्फॉर्मेशन, कोई बजट नहीं आया, कोई अपना ये अनाउंसमेंट है, ज़ुबानी अनाउंसमेंट है। बात क्या है कि हुकूमत को चाहिए उन बंदों को बुलाए जो सीनियर मोस्ट बंदे ऐसे अपना पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के, यहाँ चंद लोग रहे हैं, आप गिनेंगे 8-10 लोगों के अलावा और के सब चले गए हैं जो पुराने लोग थे। हम लोग भी बोनस में बैठे हुए हैं, ईमानदारी की बात है, हम लोगों ने अपने 90-87 ऐसी फिल्में बनाई हुई हैं, रिलीज़ हो गई हैं और हिट फिल्में हमारी, और अपने उसके बाद ये है कि किसी ने ओन नहीं किया, कुछ नहीं किया, कम से कम अपना ये इस इंडस्ट्री की कोई केयर करे, कुछ देखे कि भाई अपना ये भी क्यों लोग हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब तक केयर नहीं होगी, जब तक हुकूमत इसे तवज्जो नहीं देगी, तो अपना ये पॉसिबल इसका अपना सर्वाइव। अच्छा, आप लोगों से कभी जो सकाफती मिनिस्टर है जिसके अंडर में फिल्म इंडस्ट्री है, शोबिज़ इंडस्ट्री है, उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई, उन्होंने कभी पूछा नहीं किसी से? मैं आपको कहता हूँ कि ये जो अपना इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है जो हमारे, पहले एक दफ़ा थे शेख रशीद साहब, उन्होंने आके बड़े जनाब दिलाराना फैसले किए कि जी हमने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को इंडस्ट्री ओन कर लिया, आज तस्लीम कर लिया इंडस्ट्री को, मगर उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। वो हमने उस अहदे से वजीर हट भी गए इंफॉर्मेशन से, उसके बाद अब वजीर अपना दाखिला हुए हैं पाकिस्तान के। तो मैं समझता हूँ कि जो भी आया उन्होंने वादे किए हैं, मगर किसी ने उसे पैर तकमीर तक नहीं पहुँचाया। तो लिहाजा अपना ये एक अच्छी है कि जैसे पहले एक नेफ्टे का अदारा बना था, एक अदारा कायम किया जाए हुकूमत करे और एक बजट रखे, और उन सीनियर असल बात क्या है, हुकूमत को सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, उनके जो लोग हैं जो उनके अपना मशीर हैं ना, वो उन्हें सही नहीं बता रहे कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में कौन लोग हैं,
जो काम करने वाले हैं। सर मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी कि अगर उन तक आवाज़ नहीं पहुँचे, आप और हम लोग ये करते हैं कि हम जो नीचे तबके के लोग हैं उनके अंडर में हैं उनसे बातें करते, लेकिन वो बताते नहीं हैं। तो एक आप ऐसी तंजीम बनाएं जो मिलकर कोई वीकली आप कोई कॉन्फ्रेंस रखें जहाँ पर एक ना एक दिन तो उन तक पहुँचेगी ना, तो वो सुन पाएंगे ये आवाज़। कितनी तंजीमें बनाई हमने, कितनी आवाज़ें उठाई हमने, कितने लोगों से मिले, ये नीचे से आवाज़ ऊपर पहुंचाते ही नहीं है। ये जब तक प्राइम मिनिस्टर को या अपने चीफ मिनिस्टर को जब उन्होंने अपने सही अपने हालात नहीं पता चलेगा, उन्हें सही लोग नहीं मिलेंगे। मैं समझता हूँ अभी तक ना हुकूमत को, ना अपने प्राइम मिनिस्टर को, ना चीफ मिनिस्टर को, ना पंजाब की हुकूमत को, ना हमारे वज़ीर आज़म को, किसी ने ये इन्फॉर्मेशन दी नहीं कि ये इंडस्ट्री कहाँ खड़ी है, इनके हालात क्या हैं। आजकल सोशल मीडिया का इतना जोर है कि हर चीज़ वायरल, छोटा सा कोई बच्चा छोटी सी हरकत भी करता है तो वो भी दुनिया भर में वायरल हो जाती है। तो आप लोग माशाल्लाह फिल्म इंडस्ट्री के एक थम हैं, ठीक है, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि उन तक आवाज़ नहीं जाती? आप दोबारा से कोशिश करें, हम आपके साथ हैं, सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हैं और आपको साथ लेके इंशाल्लाह। देखिए मैं बताऊँ, हमने हर कदम पे आवाज़ उठाई और बहुत बहुत जगह पे हमने आवाज़ें उठाई हैं। आप देखिए ना, हमारी बदकिस्मती ये है कि प्राइम मिनिस्टर मैसेज दे दें, फिर हम उसके बाद फिर करते हैं बात। अच्छा, हुकूमत को आप क्या मैसेज आप देना चाहते हैं इस बार? देखिए, अपना हुकूमत से ये मैसेज हमारा, पहले से इंडस्ट्री तस्लीम करें, इसे इंडस्ट्री ओन करें, वो इंडस्ट्री का मदद दें, वो दर्जा दें, तस्लीम करें। दूसरी बात ये कि आप अनाउंस कर रहे हैं जी 25 करोड़, अपना हमने जब ने 1 अरब दे, प्लीज़ ये बातों से बात नहीं चली। हम आप सीरियस हो के आप अपने उन लोगों को बुलाएं जो इंडस्ट्री के बाकी सीनियर मोस्ट लोग हैं, जो वो चंद लोग रह गए हैं। आप क्योंकि इन्फॉर्मेशन हुकूमत को खत मिलती है, उन्हें सही इन्फॉर्मेशन नहीं देते, उन्हें नहीं इतला करते, वो उन लोगों को बुलाएं जो सीनियर मोस्ट लोग हैं, जिन्होंने काम किया हुआ है, जिनकी कारकर्दगी है, और उनसे मशवरे लें। और हम बताते हैं कि आप एक अदारा कायम करें, एक नैफिक की तरह अदारा बनाएं जैसे पहले एक बना था। तो हम कुछ नहीं मांगते आपसे, सिर्फ आप एक बजट दे दें हमें 20 करोड़ रुपया दें, हम 10 फिल्में 2-2 करोड़ की शुरू करते हैं, उसमें 10 डायरेक्टर मसरूफ़ होंगे, 10 मैंने उसके बाद टेक्नीशियन होंगे, तीसरा स्टाफ और सारे कैमरामैन राइटर्स वगैरह, तो एक एक हलचल मच जाएगी इंडस्ट्री में। तो 2-2 करोड़ की 10 फिल्में शूट रहे हैं, और इसमें अगर हमारी 2 फिल्में भी चल गई तो हम हुकूमत का 20 करोड़ जो है ना वो वापस कर देंगे। हाँ जी, वो लिए वो वापस कर देंगे, मगर हमें अपने अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे। इसलिए इस वक्त सपोर्ट की ये ज़रूरत है हमें कि अब वो ऐसा अदारा बनाए, ऐसा एक काम करें कि जिससे ये इंडस्ट्री का सर्वाइवल हो और ये अपने पाँव पे खड़ी हो। आज तो हमारे सर पे हाथ से कोई नहीं, जितनी इंडस्ट्री है इसका महाभावी वाली वार से कोई नहीं है, जो काम कर रहे अपने बलबूते पर कर रहे हैं। वो कहते हैं ना, हमने वो अपनी आग जलाते हैं और उसे खुद ही तापते हैं, खुद ही सेकते हैं। तो लिहाजा हुकूमत अगर साथ दे तो इंशाल्लाह इंडस्ट्री का सर्वाइवल होगा और अच्छा ठीक हो जाएगी। थैंक यू सर जी। जैसे कि आपने अल्ताफ हुसैन जो हमारे सीनियर डायरेक्टर हैं फिल्म इंडस्ट्री के, उन्होंने कहा है कि बातें ये 25 करोड़ की और लाखों का खरबों का जो बजट आता है और वो हवाओं में उड़ जाता है, ना ही किसी को मिलता है, ना ही कोई किसी को देता है और ना ही किसी को तक किसी की आवाज़ पहुँचती है। तो प्लीज़ ये आवाज़ जो भी हमारे देखने वाले व्यूवर्स हैं और फिल्म इंडस्ट्री से मोहब्बत करने वाले हैं, ये हमारा वीडियो जिस जिस तक जाए उनसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को इतना वायरल करें ताकि ये वज़ीर आज़म तक हमारी आवाज़ पहुँचे। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ हैं मोस्ट सीनियर ZA ज़ुल्फ़ी, मोस्ट सीनियर एडिटर, फिल्म एडिटर हैं, जिन्होंने बहुत बड़ी से बड़ी फिल्में जो एडिट की, आज हम उनसे भी बात करेंगे फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से कि वो हमें क्या उसका रिप्लाई करते हैं कि ईद पर जो फिल्में लगती थी अब नहीं लग रही। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं? मैं ठीक ठाक। सर आज हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि इतने अरसे दराज से माशाल्लाह आपने इतनी बड़ी बड़ी फिल्में जो एडिट की और इतना ज़बरदस्त आपका काम रहा और हर फिल्म में हम आपका नाम भी देखते थे ZA ज़ुल्फ़ी, सर हर ईद पे फिल्म लगती है, ठीक है, इस बार हर कोई ये कह रहा है कि फिल्म नहीं लगा रहे, उसकी वजह प्लीज़ जानना चाहूँ। फिल्म देखें, एक तो कोरोना ने काफ़ी यानी कि खाली फिल्म ही नहीं, तमाम कारोबार को उन्होंने काफ़ी नुकसान पहुंचाया, और
फिल्में तो इस वक्त रेडी तैयार हैं, 8-10 फिल्में मेरे ख्याल में बिल्कुल रेडी हैं, बड़ी बड़ी फिल्में हैं, लेकिन अभी वो जो SOPs का भी ख्याल रखना है, तो जितना जितना बजट उन फिल्मों पे लगा हुआ है, तो जो इन्वेस्टर हैं वो कहते हैं कि हो सकता है इतनी वो कवरेज ना कर सकें, क्योंकि अभी तो लोग सिर्फ कोरोना के चक्कर से ही नहीं निकल रहे, महंगाई की वजह से नहीं निकल रहे, अभी लोग अपने घर के बिलों के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो फिल्म तो है, देखें आपने जब बिल्कुल इजी होना है तो फिर आपने फिल्म देखने जाना है, तो लोग अब चाह रहे हैं कि ज़रा सा स्टेबल हो, अभी सिनेमाज खुले हैं, जब सिनेमा थोड़ा सा रनिंग में थोड़ा सा आ जाएंगे तो ज़ाहिर है फिर फिल्में लगेंगी, बड़ी बड़ी फिल्में लगेंगी और इंशाल्लाह ज़रा और कामयाब भी होंगी। अच्छा सर, ऐसा है कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमने फिल्में हमारी बिल्कुल तैयार हैं लेकिन हम लगाएंगे नहीं, क्योंकि SOPs तो हम कर सकते हैं, लेकिन हुकूमत का ये कहना है कि सिनेमा हॉल के अंदर जो भी जाएगा वो बंदा जा सकता है जिसने जो वैक्सीन जिसने लगवाई होगी, अदरवाइज़ वो अंदर नहीं जाएगा। तो वो कहते हैं हर बंदा तो नहीं लगवा सकता ना, तो इसका मतलब है कि हम फिल्म लगाएंगे फिल्म बेकार हो जाएगी। लेकिन वैक्सीन तो लगवानी चाहिए क्योंकि ये इस वक्त की ज़रूरत है, आपको भी लगवानी चाहिए और मुझे, बल्कि सबको लगवानी चाहिए, और गवर्नमेंट ने जब एक इतनी फैसिलिटीज़ दी हैं लोगों को कि आप लगाएं, तो वो लगवानी चाहिए क्योंकि उससे आपकी ज़िंदगी की तहफ़ हो रहा है उसका, तो वो करना चाहिए। अच्छा सर, आपने लगवा ली है? जी जी, मैंने तो एक नहीं, मैंने दोनों डोजेज लगवा ली हैं, दोनों डोज, और नादरा से उसका सर्टिफिकेट भी लिया है। चले जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आज आपकी कोई तकरीब थी, इस हवाले से भी कुछ बताएं। आज हमारे एक बड़े ही प्यारे दोस्त हैं राणा नवीद साहब, वो तकरीबन हर माह कोई ना कोई इस तरह की एक तकरीब रखते हैं, तो आज उन्होंने परवेज साहब के ऑनर में, और उन्होंने एक जो फिल्म अभी बनाई है रंग इश्क दा, वो भी यानी कि कम्प्लीट हुई है, तो उसके लिए उन्होंने परवेज साहब को यहाँ मधु किया, हम सब लोग आए, बड़ा अच्छा लगा, बड़ी अच्छी गैदरिंग हुई, बड़ी अच्छी बातें हुई, और हमारी दुआ है कि सबकी दुआ है कि परवेज साहब की फिल्म अल्लाह ताला कामयाब करें। शुक्रिया सर।